किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है फ्रेंड्स एफएम पे। कीकू सर, मैंने आपको पकड़ लिया, 15 दिन पहले भी आप आए थे, मैं ग्रीन रूम में था, बातें नहीं हो पाई, लेकिन आज मैंने आपको पकड़ा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है कोलकाता शहर में। थैंक यू वेरी मच, और मैं माफी चाहूंगा कि उस दिन अगर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और हम बात नहीं कर पाए, लेकिन चलिए नवरात्रि के दौरान मुलाकात हो गई। हाँ, नवरात्रि के दौरान मुलाकात हो गई और इतनी जल्दी वापस मुलाकात हो गई, वरना एक शहर में इतना जल्दी वापस आना नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ ही गया। बिल्कुल, मोस्ट अवेटेड मूवी कहा जा रहा है, 4 नवंबर को रिलीज होने वाली 2016 दी एंड। कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये एक यंग फिल्म है और एक बहुत ही फ्रेंडली हैप्पी फिल्म है। आप अगर इस फिल्म को, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाके इसे थिएटर में देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फनी तो है ही, कॉमेडी है, कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं जो देख के बड़ा मज़ा आएगा। मतलब ये फिल्म कहाँ से कहाँ चली जाती है और अचानक ये चार दोस्त, जो जर्नी उनकी शुरू होती है और उन जर्नी किस दिशा में चली जाती है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और ट्विस्ट होंगे। तो मैं बस यही कहूंगा कि क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग टर्न्स और ट्विस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा फिल्म के बारे में आपको बता नहीं सकता, लेकिन है फनी, कॉमेडी है, एलिमेंट्स हैं। चार जो लोग हैं, देवेंदु, मैं, प्रिया और हर्षद, बड़ा मजा है इन सभी के साथ काम करके, लेकिन फिल्म आप जाके थिएटर में देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो राहुल सर के साथ थोड़ी देर पहले बातें हुई थी, उन्होंने कहा कि कॉमेडी के खतरनाक कीकू इसमें है, तो काफी कुछ अलग मिलेगा। वैसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे जब मूवी बन रही थी? भाई, मूवी बन रही थी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही अजीब अजीब शूटिंग का जो प्रोसेस है उसमें, मुझे याद है एक बार हम एक सीन शूट कर रहे थे तो हमें गाड़ी में ट्रैवल करना था, गाड़ी में ट्रैवल करते करते कहीं पर हमें गाड़ी के बाहर एक ट्रक दिखाई दी जिसमें गन्ने जा रहे थे, शुगर केन, तो हमने गन्ना एक खींच लिया, बोला कि इस शॉट में यूज़ करते हैं यार, गन्ने खाते हुए हम पीछे बैठे हैं ऐसा हम दिखाएंगे। अब वो हमने कर तो लिया, उसके बाद डायरेक्टर बॉम्बे आके बोला कि वो गाड़ी का शॉट जो वहाँ पे लिया था ना, वहाँ से उसकी कंटिन्यूटी है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बोले सर हम तो वहाँ गन्ना खा रहे थे। बोला अब गन्ना कहाँ से लाएं? फिर दौड़ भाग के पूरी टीम इधर उधर, सारे लोग गए हैं गन्ना ढूंढने के लिए। फिर कभी कभी हम प्लान नहीं करते कि हम करने क्या वाले हैं, कोई प्रॉप हाथ में रह जाता है, कोई चीज़ हाथ में रह जाती है, फिर बताया जाता है कि भाई इसकी शूटिंग कंटिन्यूटी मैच करनी है और कहीं और करनी है, फिर लगता है अरे यार ये सेम प्रोडक्ट्स लाएंगे कहाँ से। तो ये बड़े चीज़ें होती रहती हैं कि कभी कभी हमें, मुझे याद है मुझे बड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि करीब 20 लोग शहर के इधर उधर दौड़े थे कि गन्ना कौन पहले लेके आता है, क्योंकि हमारा शॉट रुका हुआ है। वैसे आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप छोटे पर्दे के बादशाह हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी के बादशाह हैं, बड़े पर्दे को भी नजर आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? भाई, मेरे ख्याल से मैं अपने इस पीरियड को बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। जब से मैंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो करना शुरू किया, वहाँ से एक शुरुआत हुई, एक बार को एक बीच में झटका सा भी आया कि भाई हम दूसरे चैनल पे मूव कर रहे हैं, तो दूसरे चैनल पे मूव करके क्या हम वही चीज़ मेंटेन कर पाएंगे ऑडियंस के साथ, हम अपने पुराने कैरेक्टर्स नहीं हैं हमारे साथ। लेकिन वही है कि हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि हम काफ़ी प्यार हमारे नए शो को भी मिला और नया शो इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेरी वेल, सो टच वुड, आई एम रियली हैप्पी। इसी दौरान अब ये फिल्म आ रही है, इट्स अ पीरियड दैट आई एम थरली इन्जॉइंग, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड आई होप कि मैं, मेरा काम है भाई एंटरटेन करना, मैं अपनी दिलो जान से पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों के मुँह पे, चेहरों पे स्माइल लेकर आऊँ, और ये काम अगर मैंने सक्सेसफुली कर लिया तो बस आई एम हैप्पी पर्सन। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं संडे इवनिंग महाअष्टमी का दिन, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे 4 नवंबर को रिलीज होने वाली है मूवी 2016 दी एंड? बस यही कहना चाहूँगा कि माँ दुर्गा की का आशीर्वाद हम सब पर रहे, और 2016 दी एंड हमारी फिल्म 4 नवंबर को रिलीज़ होती है, प्लीज़ जाकर इसे थिएटर में देखिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप बहुत इस फिल्म को एंजॉय करेंगे, और कॉमेडी, हंसने, कौन नहीं चाहता कि उनके जीवन में थोड़ी सी हंसी खुशी रहे, तो हमने ये जो फिल्म बनाई है लाइट हार्टेड फिल्म है, आप जाएंगे, स्माइल करेंगे, हंसेंगे और खुश थिएटर से बाहर निकलेंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिए 4 नवंबर को। थैंक यू सो मच कीकू सर, हमारे साथ बातें करने के लिए, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर मी, बैक टू स्टूडियो।